देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लाना संसद का संकल्प है। वहां ऐसे हालात हैं कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल करेंगे। बता दें, गुजरात में चुनाव जोरों पर चल रहे हैं और इससे लेकर लगातार राजनेता इंटरव्यूज दे रहे हैं। इसी दौरान इंडिया टुडे से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगित बल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है। सर, नहीं नहीं, एक, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने तो देशवासियों को, जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना या कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने भाई कहा। हमारी संसद का है ये प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नर्दन आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके। वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। नर्दन आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार है। नहीं नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं नहीं नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है, मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं संयम रखो, आपने पिछली बार कहा। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही यह डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सेना के उत्तरी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा सरकार का निर्देश रहेगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की। कहा गया है कि सीज फायर का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।